ऑयलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे हेयर्स के लिए। मैं कैसे ऑयलिंग करती हूँ, चलिए आज आपको बताते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए अपने किसी ब्रश से या हेयर कॉम्ब से। उसके बाद बालों के सेक्शंस कर लीजिए, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और आपको लेना है अपना कोई भी फेवरेट ऑयल। मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ और इसे मैंने डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट कर लिया है। आपको डायरेक्ट हीट में नहीं करना है। और उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाए तो इस तरीके की होनी चाहिए इसका टेक्सचर। और उसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप चाहें तो कर सकते हैं, इससे थोड़ी हेयर की जो रूट्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। उसके बाद आपको या तो कॉटन की हेल्प से या फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको अप्लाई करना है रूट्स में, स्पेशली रूट से लेकर टिप्स तक आपको सब में अच्छे से अप्लाई करना है। और स्पेशली जो टिप्स होते हैं, हमारे हेयर टिप्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छे से करिए। और मसाज दीजिए अपने हेड को अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स तक, जिससे आपका जो माइंड है बहुत रिलैक्स होगा। और हेयर टिप्स से रूट से लेकर टिप्स तक अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद थोड़ा हेयर को प्रेस करिए धीरे धीरे से, जिससे उनमें जो नेचुरल शाइन है वो बरकरार रहे। और जब सारे बाल आपके अच्छे से ऑयल हो जाएं, फिर आप इन्हें अच्छी सी एक चोटी टाइट बांध लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, जो आपके बाल खींचे। इससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा और हेयर फॉल का इशू नहीं होगा। और आपको डेली नाइट में चोटी करके ही सोना चाहिए, जिससे हेयर फॉल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।